नमस्कार दोस्तों। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स या कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव प्रसारण ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि पिछले कुछ सालों से काफी सुर्खियों में रहा है। इनफैक्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी थी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रिंसिपल ये अग्री किया था कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्पेशली सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। और दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना उन्होंने भी एक पब्लिक गैदरिंग में ये कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे वो सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। जस्टिस एनवी रमन्ना ने ये भी कहा कि ही वाज आल्सो अ जर्नलिस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और वो भी एक टाइम पे जर्नलिस्ट रह चुके हैं और उन्हें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर करना और उसको लोगों तक पहुंचाना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। तो इस चीज के लिए उन्होंने अपनी सेंसिटिविटी दिखाई और उन्होंने ये कहा कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है कोर्ट प्रोसीडिंग्स की इट विल हेल्प इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टुवर्ड्स दैट एंड वो कंसिडर कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग को। बहुत जल्द उस पर कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने का, बट बिफोर दैट ही विल नीड टू डिस्कस विद हिज कलीग्स। तो दोस्तों आज का जो हमारा डिस्कशन का जो मुद्दा है वो यही है कि जो लाइव प्रोसीडिंग्स होती हैं कोर्ट की, हाउ वायबल इज दैट इन इंडिया। सेकेंडली कि इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट हो उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। एंड थर्डली वील एंड विद आवर सजेशंस विद रिस्पेक्ट टू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो दोस्तों ये जो लाइव प्रसारण है कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती है, ये इसका जो इशू है ये उठा था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2018 इन द केस ऑफ स्वप्नल त्रिपाठी वर्सेस सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस मैटर में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था कि मंडेज और फ्राइडेज जो कि मिसलेनियस डेज माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस दिन भीड़ सबसे ज्यादा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस इशू किया था कि मंडेज एंड फ्राइडेज जो इंटर्न्स हैं या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो उस दिन कोर्ट में एंटर नहीं कर सकते। तो इस नोटिस को एक लॉ स्टूडेंट ने चैलेंज कर दिया ये कहते हुए कि ये जो नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का बारिंग एंट्री ऑफ लॉ स्टूडेंट्स ऑन मिसलेनियस डेज टू द कोर्ट्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसने ये भी प्रे किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसे लाइव टेलीकास्ट किया जाए। तो दिस इज द जेनेसिस। ये जो लाइव टेलीकास्ट वाला जो मुद्दा है ये यहां से इसने धूल पकड़ी थी। इससे पहले भी ये इशू डिस्कस होता था, बट दिस वाज वेयर दिस इशू ऑफ लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स गेन सिग्निफिकेंस। अब जब ये मैटर सुनवाई में चल रहा था तो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा और काफी सारे लॉयर्स ने ज्वाइन इन करा एंड दे ऑल्सो कंटेंटेड बिफोर द कोर्ट। उन्होंने भी कोर्ट के सामने ये अपनी सबमिशंस रखी कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसे लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए। तो इस मैटर के सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कुछ गाइडलाइंस कोर्ट के सामने ले डाउन करी थी, कुछ प्रस्तुत करी थी गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो इस हियरिंग के दौरान कोर्ट इन प्रिंसिपल अग्री कर गया कि द कोर्ट प्रोसीडिंग शुड बी लाइव टेलीकास्ट, बट कोर्ट ने यह भी कहा कि रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द सेम शुड बी ले डाउन। ये जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसको रूल्स में ले डाउन कर देना चाहिए कि किस तरीके, मतलब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होगा या किस तरीके से ये लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि किसी की प्राइवेसी इन्वॉल्व होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या लेट्स से किसी का रेप का मैटर है या ऐसा कोई मैटर है जिसमें कि प्राइवेसी इन्वॉल्व है, तो सच प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी लाइव टेलीकास्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में यह भी कहा था कि इनिशियली जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो इट कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट। तो टू स्टार्ट विथ ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो पूरा प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रेकमेंड किया था कि कोई जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उन मैटर्स को लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है ऑन अ पायलट बेसिस। तो दोस्तों ये जो लाइव प्रोसीडिंग्स है ये स्टार्ट होने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स गवर्न होती हैं, 2013 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, उनमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स लानी होंगी एंड ओनली आफ्टर दैट कैन दिस लाइव प्रोसीडिंग स्टार्ट। या फिर सुप्रीम कोर्ट में ले डाउन सम रूल्स इन दैट रिगार्ड, तो देर आर सर्टन रूल्स विच नीड टू बी ले डाउन एंड टिल दैट टाइम दे आर लेड डाउन। जब तक कि वो रूल्स ले डाउन नहीं किए जाते तब तक ये लाइव प्रोसीडिंग्स अभी होल्ड पर है। बट जो इंडिकेशन आ रही है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सीरियसली कंसिडर कर रही है विद रिस्पेक्ट टू लाइव टेलीकास्टिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब दोस्तों मान लीजिए लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स बिकम्स अ रियलिटी, तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि मैटर्स जो है कोर्ट के सामने उनमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। जस्टिस डिसेमिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो होती है उसका हॉलमार्क होता है ट्रांसपेरेंसी। इसीलिए हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसमें हम ओपन कोर्ट सिस्टम को मानते हैं। ओपन कोर्ट मतलब कोर्ट्स आर ओपन टू जनरल पब्लिक, कोई भी आकर के कोर्ट प्रोसीडिंग्स को देख सकता है कोर्ट में बैठ करके। अब विद एक्सपीरियंस मैं ये भी जानता हूं कि कई कोर्ट्स में लिटिगेंट्स को अंदर घुसने नहीं दिया जाता, ये कह करके कि कोर्ट काफी क्राउडेड है। एंड विद दैट रिस्पेक्ट आई बिलीव दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट नीड्स टू इम्प्रूव, बिकॉज जब तक कि लिटिगेंट्स या कोई भी पब्लिक पर्सन आकर के कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को देख नहीं सकता तब तक इट्स मीनिंगलेस टू हैव अ सिस्टम जिसको हम की ओपन कोर्ट सिस्टम कहते हैं। ओपन कोर्ट सिस्टम इज मेंट टू इंश्योर कि ट्रांसपेरेंसी हो। जो हम सिस्टम ऑफ कोर्ट फॉलो करते हैं वो ये है कि एनीवन फ्रॉम द पब्लिक कैन कम टू द कोर्ट एंड कैन वॉच द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। ये इसीलिए है ताकि द जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का पे भी एक चेक एंड बैलेंस रहे, क्योंकि अगर कोई चीज सबके बीच में हो रही है तो उसमें फॉल्टर करने का या उसमें अपनी डिस्क्रिशन को मिसयूज करने का जो स्कोप है वो बहुत कम हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ओपन कोर्ट सिस्टम, ये जो ट्रांसपेरेंसी है इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, इट इज ऑल्सो अ फेसेट ऑफ राइट टू नो। हर सिटीजन का इंडिया में दे हैव अ राइट टू नो। हर जो भी पब्लिक फंक्शन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी एक पब्लिक फंक्शन है एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू नो। सो देयरफॉर अगर ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट होती हैं तो इट वुड बी इन फर्दरेंस ऑफ देयर राइट टू नो, और इससे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सेकेंडली इसका जो फायदा है वो ये है कि हमारे जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें ओरल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और ओरल आर्ग्यूमेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं होता बिकॉज देयर इज नो वे ऑफ स्टोरिंग दीज ओरल आर्ग्यूमेंट्स या रिकॉर्डिंग दीज ओरल आर्ग्यूमेंट्स। तो अगर इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होता है तो किसी भी एक गिवन मैटर में जो वकील है उसने क्या सबमिशंस करी कोर्ट के सामने, कोर्ट का क्या प्रतिक्रिया था या रिएक्शन था, या व्हाट द कोर्ट फेल्ट अबाउट दोस सबमिशंस, इस चीज को जानने में सहूलियत होगी। और थर्ड एडवांटेज जो है वो ये है कि जो पार्टीज है, जो क्लाइंट्स हैं जिनका मैटर ये अल्टीमेटली है, द पर्संस हु विल बी अफेक्टेड, जिन लोगों को मेनली उन कोर्ट प्रोसीडिंग से फर्क पड़ता है, उनको भी अपने मैटर के बारे पता होगा कि क्या चल रहा है। अक्सर क्या होता है कि कोर्ट्स क्राउडेड होते हैं कई बार और क्लाइंट अंदर नहीं जा सकता। इट इज द लॉयर हु गोज इन, आर्ग्यू करता है और आकर के क्लाइंट को कहता है कि ये मैटर कोर्ट में हुआ। तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को वो चाहे कोर्ट के अंदर फिजिकली प्रेजेंट रह पाए या ना रह पाए, क्लाइंट को पता लगेगा जो पार्टी है जिसका मैटर है, जो अल्टीमेटली उस मैटर से अफेक्टेड है, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अपने टीवी स्क्रीन पे या फोन पे लाइव देख सकते हैं और देख करके उनको समझ आएगी कि उनके मैटर में एग्जैक्टली क्या हुआ है। और इसी के साथ जो जुड़ा हुआ एडवांटेज है वो ये है कि कोर्ट प्रीमाइसेस जो है वो डीकंजेस्ट हो जाएंगी। किसी भी जो प्राइवेट पार्टी को कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है टू विटनेसेस मैटर या अपने मैटर को देखने के लिए कोर्ट में रहने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने घर से बैठ करके या जो भी अपनी लोकेशन से बैठ करके वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। फिफ्थली जो फायदा होगा दोस्तों इस लाइव टेलीकास्ट का, वो लॉयर्स को भी होगा, बिकॉज लॉयर्स अक्सर क्या होता है कि कोर्ट में पूरा जोर लगा देते हैं, दे आर्ग्यू टू द बेस्ट। एवरी लॉयर यू नो वांट्स टू विन हिज मैटर, देयर इज नो लॉयर इन दिस वर्ल्ड जो कि अपना मैटर हारना चाहेगा। सो देयर आर टाइम्स व्हेन जब जो जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि लॉयर ने शायद अपना 100% नहीं दिया। सो इफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर लाइव टेलीकास्ट, इवन द लॉयर जिनकी जो सबमिशंस है कोर्ट में क्लाइंट नहीं देख पाए या जो प्राइवेट पार्टी है वो नहीं देख पाए, अगर ये प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट होती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द लॉयर एज वेल, सो दैट द क्लाइंट कैन वॉच कि उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में रखी हैं, क्या दलीलें कोर्ट में रखी है, और क्यों उनका मैटर अलाउ हुआ है या डिसमिस हुआ है। एंड फिफ्थली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे को जो लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं और जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर्स को आर्ग्यू करते हुए देख सकते हैं। अब कोई अगर मान लीजिए बहुत ही रिमोट लोकेशन में कोई लोकेटेड है और वो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकते या वो रोज कोर्ट नहीं आ सकते देखने के लिए, बट दैट जूनियर एडवोकेट या जो इंटर्न है या लॉ स्टूडेंट है, ही हैज अ कीन इंटरेस्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ, और लॉ की जो प्रैक्टिस है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द लॉयर स्किल। अब जो भी लॉयर अपने केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ स्किल टू प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स इन द कोर्ट। सो अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट होंगी तो सम लॉ स्टूडेंट या सम इंटर्न सिटिंग इन रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया, वो वहां से ही विल बी एबल टू विटनेस हाउ सीनियर एंड रेप्यूटेड लॉयर्स वो किस तरीके से कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हैं, किस तरीके से अपने ऑपोजिट साइड को जो वहां से जो आर्ग्यूमेंट्स आ रही हैं उनको काउंटर करते हैं। और ये जो चीज़ है दिस विल हेल्प इवेंचुअली इन द एवोल्यूशन ऑफ लॉ, क्योंकि कई लॉ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस वो सीनियर्स के चेंबर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते या उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते कि वो प्रॉब्ली बिग सिटीज में ट्रैवल कर सकें और वहाँ पर अपने आप को रहना सस्टेन कर पाए जबकि वो इंटर्नशिप कर रहे हों। सो लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इट विल हेल्प इन द एवोल्यूशन ऑफ लॉ बाय फैसिलिटेटिंग यंग लॉ स्टूडेंट्स इंटर्न्स। उनको ये फैसिलिटेट करेगा कि वो जो इस प्रोफेशन के दिग्गज हैं उन्हें आर्ग्यू करते हुए देखें, उनको अपना काम करते हुए देखें। अब दोस्तों ये दिस वॉज अबाउट the advantages of court proceedings, but this comes with a rider। अब जैसे हर चीज के ऊपर लिखा होता है ना terms and conditions applied, वैसे ही इस सिस्टम को अगर लाइव टेलीकास्ट होता है court proceedings तो इस सिस्टम में भी there is something जिसको कि हमें एड्रेस करना होगा पहले for it to be successful, because I strongly believe कि लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स का मतलब ये नहीं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी एंड वील हैव अ वेरी आइडियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली हम जितनी मर्जी सिस्टम्स बना ले, जितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए, जब तक कि पीपल हु आर इन द सिस्टम जैसे लॉयर्स एंड जजेस, मेन जो प्लेयर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के जो लॉयर्स एंड जजेस हैं, जब तक कि वो सेंसिटाइज नहीं होंगे, जब तक कि वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करेंगे, तब तक जितना मर्जी हम ट्रांसपेरेंसी ले आए, जितना मर्जी हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट कर लें, नथिंग विल चेंज। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होगा, वी विल बिकम इम्यून टूवर्ड्स यू नो द रॉन्ग्स दैट आर बीइंग कमिटेड। उसे देख लेंगे और फिर दूसरे केस में देखेंगे, तीसरे केस में देखेंगे, एंड देन इवेंचुअली वी बिकम इम्यून। यही चीज हुई है सोशल मीडिया के साथ भी। सोशल मीडिया में पहले क्या होता था, जब सोशल मीडिया नहीं था हम न्यूज़पेपर में एक फोटोग्राफ देखते थे एंड द पब्लिक ओपिनियन यूज्ड टू बी आउटरेज्ड, पीपल यूज्ड टू बी आउट ऑन द स्ट्रीट्स, लोग सड़कों पे उतर आते थे। पर अब हमने इतनी बर्बरता सोशल मीडिया पे देख लिया कि हमारा सिस्टम इम्यून हो गया है। हम रोज देखते हैं पुलिस बेरहमी से लोगों को पीट रही है, पर हमें उससे फर्क पड़ना थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हमारा सिस्टम उससे इम्यून हो गया है। सो अनदर एग्जाम्पल इज दैट ऑफ यू नो लाइव टेलीकास्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स कहते हैं पहले जो होती थी वो एक तरीके से एक सिस्टम से चलती थी, पर आफ्टर इट्स बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड जो MPs हैं वो अपने आप को बस दिखाने के लिए कि हम इस इशू पे एक स्टैंड ले रहे हैं, वो काफ़ी एंटिक्स करते हैं, काफ़ी ऐसे दिखावापन भी करते हैं, दे वॉक आउट और या फिर एडजर्नमेंट्स हो जाती हैं, जिस वजह से कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स ठीक तरीके से आगे बढ़ नहीं पाती टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि अगर हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं, द लॉयर्स एंड द जजेस जो इस मतलब सिस्टम के जो मेन प्लेयर्स हैं, दे हैव टू बी सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स मैटर्स। अब उसके अलावा हम चाहे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को लाइव टेलीकास्ट कर लें चाहे ना करें, इट डज नॉट मैटर। डेफिनेटली इट विल हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, बट जो ये बेसिक चीज जो हमने अभी बताई कि लॉयर्स एंड जजेस हैव टू बी सेंसिटिव, इफ दैट कम्स इन, फिर आप चाहे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को टेलीकास्ट करें चाहे ना करें, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, वो इतनी डाइवर्स है, इतनी वैरायटी है इसमें कि कोई भी एक लीडर या एक सिस्टम इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक चीज आ गई और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, और अगर कोई वो ऐसा कहता है कि इस सिस्टम को हम ला रहे हैं या इसको हम ला रहे हैं, वी विल ओवरनाइट यू नो वी विल चेंज, वो जुमलेबाजी है, वो झूठ है, वो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने भिन्न भिन्न टाइप के लोग रहते हैं, इतने वैरायटी के लोग रहते हैं, इतनी वैरायटी की बिलीव्स हैं, इतनी वैरायटी की कल्चर्स हैं कि यू कैंट हैव अ वन साइज फिट्स ऑल, मतलब एक ही जूता सब साइजेस को फिट नहीं कर सकता यहाँ पर। सो इस चीज़ को हमें समझना होगा, और ये जो लाइव टेलीकास्ट अगर होगा दैट विल बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल टू नोइंग कोर्ट में क्या हो रहा है। अब उस चीज को आप जान करके उसको क्या कर सकते हैं या उसके साथ आप क्या करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो फाइनली कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगर लाइव टेलीकास्ट होती हैं दैट इज गुड, बट उस लाइव टेलीकास्ट के साथ इवेंचुअली व्हाट द पब्लिक डज दैट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट. आपको अगर पता लग गया कि एक मैटर में थ्रू लाइव टेलीकास्ट आपको पता लग गया कि इस मैटर में कुछ गलती हुई है, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट. पता करके चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा. सो लगाम अल्टीमेटली जो पब्लिक है, जो कि डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर होती है, जो पीपल होते हैं, वी द पीपल जो सबसे ऊपर है डेमोक्रेसी में, लगाम हमेशा उनके हाथ में होनी चाहिए. एंड इन विद रिस्पेक्ट टू लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो लाइव टेलीकास्ट हुई हैं, उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं या उनकी जो ब्रॉडकास्ट है उसके साथ आप क्या करते हैं, दैट बिकम्स इंस्ट्रूमेंटल. सिर्फ लाइव टेलीकास्ट करने से कुछ नहीं होगा. एंड विद दैट फ्रेंड्स वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन. आशा करता हूँ दैट यू फाउंड दिस डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. आपको ये डिस्कशन कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. और इसके अलावा आपको बता दें कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है जिसमें कि हम ये जो लीगल डिस्कशंस होती है और जो लीगल अपडेट्स होती हैं, वी कीप शेयरिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. आई वुड इनवाइट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप. एंड विद दैट आई विल टेक योर लीव फ्रेंड्स. अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड गुड बाय.